लिहाजा उसके इस अमल को
जिसने मिराज के जरिए बनाना कहीं से सही और दुरुस्त नहीं था, यह मैंने साबित किया। अब जनाब आमिना ने खबर भेजी सफर के महीने में तबसरा
तहकीक के मुताबिक पायदार नहीं है। और मसलक अहले हदीस के नजदीक बात कितनी भी खूबसूरत हो, बात कितनी भी अच्छी हो, अगर सनद के एतबार से मजबूत नहीं है तो हम उसको मजबूत नहीं मानते, ये हमारा मानना है। और लोगों के नजदीक अच्छी बात होनी चाहिए, सनद कैसी है, हमारा ख्याल है कि बात कितनी भी अच्छी हो सनद अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ में जो तकरार भी हुआ ये रिवायत का आधार है, और यही अल्लामा सुब्रमा साहब ने अपनी किताब और हिकमत मौजूद के अंदर भी लिखा है, रहमतुल आलमीन के अंदर वक्त के सबसे बड़े सीरत निगार अल्लामा सलमान सुलेमान नदवी भी कहते हैं उनको, मसूदपुरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भी एक तहकीक है। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो राजे और मुहक्कर बात हो वो आप तक पहुंचाओ, पैसे तबीब की मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह के सामने भी जो आपका होना होता है तबीब को, क्योंकि जो बातें आप तक इल्म की हैसियत से पहुंचाई जाती है वो अमानत है, और अमानत में सनद के मजबूती के साथ न पहुंचाया जाए तो ये ख्याल है। बड़ा सबका अपना अपना जन्म है, हर तकलीफ का हो गया पहुंचाता था, मेरी अपनी कोशिश जहां तक मुझसे हो सकता है यही हो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी अबू लहब ने उस शक्ल में मनाई, अबू तालिब ने अरब के दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने आपका साथ में भी अकीका भी किया और खतना भी किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक होने के बाद मैंने आपको बताया था कि कितनी बाबरकत आपके साथ थी कि दुनिया में आने के बाद आपकी बरकतों का जोर जो होगा तो सहाबा ने कभी गुर्बत का एहसास नहीं, ऐसे ऐसे मरहले आए कि फाका कसी की नौबत होती थी और अल्लाह के नबी के हाथ से कोई ऐसा मौजूदा जोर में आता था कि सहाबा इकराम खुश हो, कभी पानी की किल्लत हुई तो चश्मे उबल पड़े आपकी उंगलियों के दरमियान से, लोगों ने वजू भी किया नहाए भी और अपनी मस्जिदें भी भर लिए, कभी खाने की किल्लत हुई तो एक प्याले दूध से 70-70 सहाबा ने अपनी प्यास बुझा ली, कभी खाने की परेशानी आई तो एक ही हाड़ी के गोश्त से कई कई सौ सहाबा ने खाना खा लिया मगर खाना खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये बाबरकत माहौल लोगों ने देखा। अब अरब के दस्तूर का ये भी एक दस्तूर था कि अरब के जो शहरी लोग होते थे जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो वो लोग उस बच्चे की शहरी बीमारियों से बचाने के लिए देहातों के अंदर औरतों को दे दिया करते थे, और देहातों के अंदर ये माहौल था कि शहरों में जाती थी और नामालूम बच्चों को लेकर के आती थी, उनको 2 साल तक दूध पिलाती थी और उसकी उजरत और कमाई उनकी होती थी। यह अरब के अंदर एक आम दस्तूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दस्तूर के मुताबिक दाई तलाश किया जाने लगा और सबसे पहले तो हजरत सुहैबा ने दूध पिलाया, माँ ने सबसे पहले दूध पिलाया, पहले बर्तन में हजरत सुहैबा ने पिलाया। अब हजरत हलीमा सादिया सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, ये वाकया उन्होंने खुद बयान किया कि हमारे यहाँ ये इस्तेमाल हुआ कि औरतों ने कहा कि चलो मक्का चलते हैं और नौमौजूद बच्चों को हम लोग गोद लेकर के आएंगे दूध पिलाएंगे और हमें उजरत मिलेगी, ये माहौल के हिसाब से। अब चूंकि हमारे माहौल नहीं है तो इसलिए हो सकता आपको अजीब लगता हो, लेकिन अरब का दस्तूर है। अब हलीमा सादिया बयान करती है कि हम लोग निकले, मेरी गोद में शीरखार बच्चा था और उस वक्त हमारे इलाके में कहर का आलम था, न घास फूस थी जिसको जानवर चल सके, और कासारी का आलम यह था कि फाके पे फाके हो रहे थे, हम लोग भी फाके से कमजोर और निहाल हो गए थे, हमारे जो सहेलियां थी वो मजबूत गधों पे सवार होकर के चले, मेरे पास एक नाता और कमजोर गधी थी मैं उसी पर सवार हुई, एक ऊँटनी थी जिसके दूध से हम लोग गुजारा करते थे मगर कासारी की वजह से वो ऊँटनी भी दूध नहीं दे रहे, उनके शोहर अबू मूसा भी उनके साथ थे, गोद में एक शीरखार बच्चा जिसको तहकीक के बाद अब्दुल्ला नाम बताया। अब जब चलती है तो गदई नाता और कमजोर सबसे इलाके में पीछे और सहेलियां डांट रही कि हलीमा क्या कर रही हो, और चूंकि कुनियत के नाम के साथ भी पुकारा जाता है तो बिनते जोहैब की बार बार कहती थी तुम तो कैसी सवारी लेके आई, हम कब पहुंचेंगे अगर तुम्हारी सवारी ऐसे ही चलती रही, रास्ते भर उनको तारा और खुशी। लेकिन जब अल्लाह ताला को किसी के किस्मत का सितारा चमकाना हो तो पहले की हैसियत क्या होती है और अचानक रातों रात उसकी हैसियत क्या हो जाती है, यह भी ठिकाना मौसू। अब कैसे कैसे करके ये लोग अरब पहुंचे मक्का पहुंचे, अब उनकी सवारियां देश थी वो पहले मक्के में पहुंची, ये बाद में पहुंची, हलीमा सादिया बयान करती है कि जब मैं पहुंची तो अल्लाह के नबी के पास मुझे मालूम हुआ बारी बारी सारी औरतें पहुंची,
मगर सबर नबी को यतीम समझ करके छोड़ दिया था। इस यतीम बच्चे को हमने गोद में लिया, इसको हमने दूध पिलाया, तो जो यतीम है जिसका बाप दुनिया में जिंदा नहीं वो हमें उजरत में क्या देगा, लिहाजा हम उसको यतीम और नादार और गरीब समझकर हमने उस बच्चे को छोड़ा और दूसरे अमीर घराने के बच्चों को हमने लिया। इस तरीके से हज़रत हलीमा कहती मैं भी पहुंची मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मैंने भी यतीम समझ करके छोड़ा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये यतीम नहीं गुजरे यतीम। अब शाम हो गई, सारी सहेलियों ने बड़े बड़े घराने के बच्चे एक एक पा गए। अब डेरे पर वापस आई, हज़रत हलीमा सादिया की गोद में कोई बच्चा नहीं, सारी सहेलियों के गोद में एक एक बच्चा है। उन्होंने अपने शोहर को किनारे ले जा करके कहा कि क्यों मैं ऐसा करूं कि मैं जाकर के उसी यतीम बच्चे को गोद लूं, इसलिए तो मुझको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि मेरी सहेलियां बच्चे को लेकर के जाए और मेरी गोद में कोई बच्चा ना हो। मुझे शर्म महसूस हो रही है, मुझे आर महसूस हो रही है। अगर आप कहें तो मैं उसी यतीम बच्चे को ले लूं। अब शोहर जो उनके अबू कौसा नाम है और जिनकी कफालत में अल्लाह के नबी को अल्लाह को देना था, उनकी जुबान से जुमले कैसे अदा होने चाहिए, उनकी अपनी हैसियत कैसी होनी चाहिए, ये नबी की सीरत से खास ताल्लुक रखता। अब सभी सीरत निगारों ने यह लिखा है कि अबू कौसा ने यह कहा जाओ हलीमा उसी बच्चे को ले लो, हो सकता है अल्लाह उसी में बरकत कमा कर देख लीजिए। हालांकि उनको इस्लाम क्या है, वही क्या है, फरिश्ते क्या है, आखिरत का कोई चीजें मालूम नहीं, मगर उनके घर में नबी को पलना था तो उनकी सीरत ऐसी उजागर करके सामने ला रहा था कि लोगों को यह पता चले नबी जहां जाता है वो अच्छी सोच की होगी, जिससे जिसके घर इसकी परवरिश होगी, बड़े होकर के जिसकी किफायत में रहना है वो सब मुमताज शख्सियत बनकर इस तारीख के चेहरे पर उतरे। बहरहाल उनको हलीमा ने अपनी गोद में लिया। वाक्य मैंने पहले बता दिया, कैसारे का जमाना था, न ऊंट के धन में दूध था, न उनकी गधी के धन में दूध था, न ताकत थी, न खुद हलीमा के सीने में इतना दूध था कि उनका अपना बच्चा पी सके। कहते हैं कि आते वक्त हम लोग जागते हुए आते थे, भूख की वजह से बच्चा इतना रो रहा था मेरा, हम लोग रात की रात आंखों में काट देते थे, मगर जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया था मेरा सीना दूध से उमड़ पड़ा, मैं उठनी पर बैठ गई, इस बच्चे को दूध पिलाया, अपने बच्चे को दूध पिलाया, दोनों बच्चे सैराब होकर के सो गए। ये पहली रात के सफर में जो हम चैन से सोए थे, उसके बाद मेरे शोहर उस नादान उगनी की तरह पड़े जिसने रास्ते में अभी तक दूध नहीं लिया था। जब उसको धोना शुरू किया तो बर्तन दूध से भर गया, मगर घर में दूध कम न हुआ और भी कबीले वालों को पिलाया। ये नबी के गोद में आने के बाद बरकतों का जोर ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी वो बदलने का बरकत थे कि जब उनका पारा हज हलीमा से पड़ा तो बरकत कहर के आ गई, और जब खुशहाली ने खुशहाली देते उसकी कोई अहमियत नहीं, जब कहर साली ने खुशहाली कोई देता तब उसकी अहमियत समझ में आती है। हज हलीमा कहती है अब वही गली है जिस पर मैं बैठी हूँ, जिस पर मैं बैठ के आई हूँ, रास्ते भर मेरी सहेलियां मुझको ताना दे रही थी ये तू कैसी सवारी लेकर के आ गई, हम कब पहुंचेंगे, लेकिन वापसी पर जब नबी हमारी गोद में आए वही मेरी गधी सारी सवारियों का रास्ता काट के सबसे आगे निकल गई, वही नातमा उठनी सारी उठनियों का रास्ता छीन के सबसे आगे निकल गई। अब मेरी सहेलियां मुझको पुकार रही है और जुआब की बेटी अरे हलीमा क्या ये वही गधी नहीं है जिस पर तू बैठ के आ रही थी, क्या ये तेरी वही उठनी नहीं है जिस पर तू डंडे मार मार करके भाग रही थी। हलीमा कहती मैं कहती थी हाँ हाँ बात तो वही है, गली भी वही है, कुटनी भी वही है, सफर भी वही, रास्ता भी वही है, मगर मैं क्या करूँ कि मेरा मामला जुदा हो गया, जब से बच्चे को मैंने गोद में लिया है मेरा मामला सबसे अलग हो गया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी पैदा होने के बाद से ही बरकत का शुरू। अब यहाँ पे एक जुमला मैं आपके सामने आ गई, एक आलिम से मुलाकात हुई और इस तरह सीरत पे गुफ्तगू हो रही और उन्होंने अपना एक जज्बाती जुमला पेश किया और मैं चाहता हूं कि आप यहां भी पेश करें। कहते हैं कि यही अरब है कि जब बड़े सगीर से हुजार इकराम मक्के को जाते थे हज करने के लिए, एक जमाना था जो खरबूज और तरबूज लेकर के जाते थे, खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते थे, तो गुरबत का आलम आया के अंदर जब पिटरा पिटरा डॉट नहीं थी, चावल डॉट नहीं थी और जब सोने और चांदी के खान का पता वहां पे नहीं था, तो वहां के गरीब गुरबा बच्चे यहां के हाथियों के फेंके हुए तरबूज के छिलकों पर दौड़ के लगते थे और बचा हुआ होगा।
दुनिया, तो दुनिया ने यह देखा कि जमीन ने खुश होकर के कहा, अरे अरब के लोगों तुमने इस नबी की बरकतों से फायदा उठा लिया, अब जमीन अब ये मेरे आवास में आ गए, अब मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है, तेल के खजाने, पेट्रोल के खजाने, डीजल के खजाने, जरूरत जवाहरात के खजाने, सारे खजाने अरब के लोगों को जमीन ने उसके पास फेंक दिया, नबी को अपने आवास में लिया, नबी का वजूद जमीन को मिल गया, तो जमीन में सारे खजाने अरब वालों को दिए, उसके बाद दुनिया में यह अरब पैसे में ये भी बरकत है अल्लाह के नबी की वफात के बाद जमीन में लिखना लगा हुआ। और ये जुमला आपका अपना जाति कोई हदीस से नहीं है, यह जज्बाती जुमला है और इसको आप अपनी बसीरत की निगाह से देख भी सकते हैं, जो अरब का माजी और हाल जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं किस गुरबत को उन्होंने कहा। और जब इसराइल ने उन्होंने धमकी दी तो शाह सलमान ने यह जुमला कहा था कि हम तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, अरब के आज लोग अखबारों में पढ़कर की आवाज उठाते हैं कि सऊदी ने वापस कर लिया और इसराइल को अपना साथी मान लिया, ऐसा कुछ नहीं। अंदर की जो खबर है उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कभी भी एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं करेंगे और अगर तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दो कि तुम्हें हम तुम्हारी ये चता जोर और ये पैसे की रेट पे तुमसे छीन लेंगे, तो हम वो कौम है जो हमने सहराओं में गुजारा किया है, हमने खेतों में काटे है, हमारी तारीख है कि शेर का बीकानेर में 30 साल तक हमने दरख्तों के पत्ते और खाद चबा करके जिंदगी गुजारी है, हम फिर वैसी जिंदगी गुजार लेंगे मगर तुम्हें कभी एक मुल्क की ऐसे से तस्लीम। बहरहाल अब जो अखबारों में लगे हैं उनको यही खबरें सच मानेंगे, हमारा काम है तहकीक करके बात को लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसरूफ कितना बाबरकत था वो आपके सामने मैंने रखा, अब हरी पास हथियार लेकर के अपने कबीले में वो पहुंच। और मैंने पहले बता दिया कि हर का जमाना था कुछ भी नहीं था, अब हरी पास हथियार बुलाती है कि मेरे बच्चे और मेरे नौकर मेरी बकरियों और रेवड़ को लेकर के चराने लेकर के जाते थे और भी गांव के लोग लेकर के जाते थे, शाम को जब रेवड़ वापस आते थे मेरी बकरी दूध देती थी, मेरी मुर्गी दूध देती थी, मगर मेरे इलाके में किसी के घर में किसी की बकरी और मुर्गी दूध नहीं। लोग अपने नौकरों को डांटते थे कि तुम वहां जाकर के चराओ अपने जानवर जहां हलीमा के चरवाहे चराते हैं, जैसे आज लोग मछली मारने जाते हैं आपने देखा होगा, बराबर में एक आदमी बैठा और इधर एक आदमी बैठा, एक को बार बार मछली लग रही और एक को नहीं लग रही, अब वो उठा वहां से उसके बराबर है, हम लोग के साथ ऐसा तजर्बा होगा आपने भी किया होगा, अब वो डांटने की जहां हलीमा के जानवर उसके चरवाहे चराते हैं वहां चराओ तब तुम्हारे जानवरों के पेट भरेंगे। अब अगले दिन इनके नौकर उनके पीछे लग करके वहीं अपने जानवर चराते थे मगर फिर भी शाम को न उनकी बकरी दूध देती थी न उनकी उटनी दूध देती थी, हलीमा के घर में उटनी का भी दूध भरा होता था और बकरी का भी दूध भरा होता था, ये अल्लाह के नबी की बरकत थी और ये बरकत लोगों ने देखी, फिर लोग अपनी जरूरियात को हलीमा के घर से पूरी कहर के जमाने में खुशहाले देते थे। रसूल की बरकत जब मक्के से होकर के हलीमा साथिया के कबीले में गए तो उस कबीले ने नबी नबी की बरकत को देखा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक हलीमा साथिया ने दूध पिलाया, 2 साल थी हदीस में मुद्दत है दूध पिलाने की और 2 साल के बाद जो आप पिलाती है अगर वो मसला नहीं आती है तो उनके ऊपर गुनाहगारी है, 2 साल के बाद इजाजत नहीं है दूध पिलाने की, यही मुद्दत है। अल्लाह हलीमा साथिया कहती है दस्तूर के मुताबिक हम बच्चे को लेकर के वापस गए, हते आमिना के हवाले किया मगर दिल नहीं मानता था, जो बच्चे की बरकत हमने देखी थी हम ये चाहते थे कि और इस बच्चे को हमारे यहाँ मौका मिल जाता रखने का, हमने मिन्नत समाजत की हते आमिना से और हमने कहा कि हो सकता है कि कोई वबाई बीमारी इस बच्चे को परेशान कर दे शहर में, आप 2 साल और इस बच्चे को हमारे पास लाने लीजिए, मगर माँ की ममता पहले ही क्या कम था कि जब शीरखाड़ बच्चा पैदा होता है तो माँ को बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है, मगर अरब ये अरब का दस्तूर था कि उन्होंने 2 साल दे दिया दूसरी औरत को ले जाओ तुम अपने पास रखो, वरना एक माँ अगर 20 मिनट अपने नौ मौजूद बच्चे को ना देखे तो कड़क उठती है, मगर दस्तूर से मजबूर होकर के उन्होंने ऐसा किया था, अब 2 साल हो गया वो वापस कैसे लेती, मगर उनकी मेहनत समाज और मोहब्बत और शब्द का आराम लेगा तो हत्या ने कहा ले जाओ 2 साल और उसके बाद 2 साल और मौका मिला, और बच्चों के बनस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बढ़ने का अंदाज और उनकी ताकत का अंदाज 2 ही साल में इतने ताकतवर और गठीले लगने लगते थे लगे थे कि 6 साल के बच्चे तो माफी लगने लग रहे थे और 4 साल के हो गए, अब ये हते रजाई भाई अब्दुल्ला
मोहम्मद को क्या हो गया, हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के नबी का सीने मुबारक चाप दिया, आपके दिल से एक लोथड़ा निकाला, कहा ये आपसे शैतान का हिस्सा है, इसको अलग कर दिया और सोने की तस्करी में रखकर जमजम के पानी से आपके कदम मुबारक को धुला गया, फिर सीने की उसी जगह पर रख करके और सीने को चाप दिया था और सीने को अफसील दिया। अब तारीखदानों ने लिखा है ये पहला डॉक्टर था जिसने ऑपरेशन किया इंसानी तारीख जिब्रील को पहला डॉक्टर बनता है, सीने को चाप चीरना फिर उसमें से कुछ निकाल के रखना फिर उसको सीना इसी का नाम ऑपरेशन जिब्रील ने जिब्रील हो सकती है जिन्होंने दुनिया में पहला ऑपरेशन। अब ये अलग सवाल है कि आपका सीना क्यों चाप किया गया, इसके पीछे क्या राज है, ये मैं अगले जुमों के अंदर इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा इसमें और ये फजीलत की क्लासों में ये सवाल भी आकर से किताबों में वो मैं इंशाल्लाह बाद आपके सामने रखूंगा। अब हजरत मुत्तलिब और हजरत आमना की तो याद आई कि बच्चे के साथ हादसा हो गया, हजरत हलीमा दौड़ी हुई पहुंची बच्चों के कहने पे, अल्लाह के नबी का चेहरा बदला हुआ था, आप खड़े थे, हजरत हलीमा ने उनको लिया गोद में और घर वापस आए और सुबह से कहा जल्दी चलने कोई घुमाव हवाले कर दिया और मामला कुछ बदलता हुआ नजर आता है, अगर कोई बात हो गई हम इनकी माँ को जवाब क्या देंगे और ले जाकर के वापस आए। चार साल की उम्र में माँ के हवाले किया, दो साल माँ की आगोश में रहे, छठे साल में वालदा आमिना इनको लेकर के उम्मे आयमन को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को लेकर के मदीना गई, वापसी पर सोचा रास्ते में अपने शौहर अब्दुल्ला का कि कब्र की ज्यारत कर ले, वहां पर ज्यारत करने के बाद चली, रास्ते में तबीयत खराब हुई और मक्का में अगवा में आकर के उनका इंतकाल हो जाता है और वहीं पर उनकी कब्र की अगवा नाम की जगह जो सऊदी गए वो देखे होंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत में आ गए और आठ साल तक रहे। अब अब्दुल मुत्तलिब की सीरत भी आपके सामने अगले जुमे में रखी जाएगी, इसलिए इन पर बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हान परवरदिगार आलम हमें नबी की मोहब्बत के साथ साथ आपकी तमाम इताअत की भी तौफीक अता फरमा, बारह हमें हर किस्म की दीन के नाम पे शिर्क और बिदअत और खुराफात से महफूज रहे, बारह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रहे हमें सही अकीदे पर जिंदा रहे और जब हमारी रूह निकालने का फरिश्ते को हुक्म दे तो परवरदिगार आलम हमारी जुबान पर कर्म मोहम्मद रसूल का जारी हो Yeah, I don't know.